स्कूल प्रबंधन समिति साथ आ जाए। जोहार नमस्कार। आप देख सकते हैं अभी टाइगर का काफिला पहुंचा है रामगढ़ के गोबरधारा में, जहां पे एक डीएवी पब्लिक स्कूल है जो कि प्लस टू का उद्घाटन करने के लिए टाइगर जयराम महतो पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं उनका काफिला और ये टाइगर जयराम महतो आज यहां पे पहुंचे हुए हैं। इससे पहले कभी भी इस स्कूल में किसी भी प्रकार का प्रोग्राम किया जाता था तो आसू के जो भी विधायक थे वो यहाँ पे पहुँचते थे। उसके बाद इस बार टाइगर जयराम महतो को बुलाया गया, जिसको लेकर काफी सस्पेंस था। जैसा कि हमें पता चला है कि कुछ कुछ विधायक के द्वारा इन्हें धमकियां भी दी गई थी कि टाइगर जयराम महतो को नहीं बुलाना है किसी भी कंडीशन में, लेकिन आज देख सकते हैं टाइगर जयराम महतो अपने काफिले के साथ यहां पहुंच चुके हैं, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल है जिसका आज प्लस टू का उद्घाटन करने के लिए टाइगर जयराम महतो पहुंच रहे हैं। तमाम रामगढ़ के क्रांतिकारी साथी उनके साथ मौजूद हैं और जिस तरह का क्राउड उनके स्वागत में होता है, सेम टू सेम आप देख सकते हैं उसी प्रकार का आज क्राउड आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये कोई जनसभा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल के एक उद्घाटन में टाइगर जयराम महतो पहुंच रहे हैं। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि रामगढ़ में, जैसा कि टाइगर बार बार बोलते हैं कि रामगढ़ यदि देखा जाए तो सबसे एक्टिव अभी जेबीकेएसएस रामगढ़ का ही है। और जिस तरह से आप लोग भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का भीड़ है, और आप लोग आगे वीडियो में बने रहें और देखते हैं क्या कुछ होता है आगे और किस तरह से आज टाइगर जयराम महतो पहली बार डीएवी पब्लिक स्कूल का उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग अभी देख सकते हैं हजारों की संख्या में काफी देर से इंतजार कर रहे थे। आप लोगों को पता ही होगा कि लगातार टाइगर जयराम महतो का तबीयत बहुत ही दिनों से खराब चल रहा है और उसके बावजूद भी वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आप समझ सकते हैं कोई नेता मंत्री विधायक नहीं होने के बावजूद भी लोग इन्हें इस तरह से डिमांड कर रहे हैं, जिस कारणवश उन्हें कितनों भी लेट हो वो पहुंच ही जाते हैं। और काफी लेट होने के बाद भी टाइगर जयराम महतो का टाइमिंग सुबह के 10 बजे था, लेकिन टाइगर जयराम महतो काफी विलंब से आ रहे हैं और जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। मेन गेट में, फिर उसके बाद अंदर घुसे कुछ दूर चलने के बाद फिर से इनका स्वागत किया जा रहा है। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं, एकदम लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। कहा कि भीड़ और आज डीएवी पब्लिक स्कूल का जो प्लस टू का उद्घाटन है उसमें किस प्रकार से उनका स्वागत किया जा रहा है अपन अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। जिंदाबाद, जयराम दादा जिंदाबाद, जयराम दादा जिंदाबाद, जयराम भैया जिंदाबाद, जयराम भैया जिंदाबाद, जयराम दादा जिंदाबाद, जयराम दादा जिंदाबाद, जयराम दादा जिंदाबाद, जयराम दादा जिंदाबाद। किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न न करें, सबको धन्यवाद, सबको जोहार। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं भी साथ में और स्कूल के बच्चे को ही जाने दें ताकि स्कूल को लगे। सीधे सम्मान पूर्वक उनको ले जाए कार्यक्रम स्थल तक। स्कूल प्रबंधन समिति साथ आ जाए, बाकी लोगों को जाने की जरूरत नहीं है और बाकी बच्चे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत के लिए यहीं पर रहेंगे। साथ ही मंच में जिन लोगों को आदेश मिलता है प्रबंधन समिति की ओर से, बाकी लोग मंच में न ही रहे, अपना जहां पर प्रबंधन समिति स्कूल समिति आपको स्थान देती है, क्योंकि आप चाहे छोटी हो चाहे बड़े सभी सम्मानित अतिथि है जेबीकेएसएस की तरफ से और स्कूल प्रबंधन समिति की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन है, सभी का जोहर है। किसी को दुख या बुरा मानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय अभाव के कारण कुछ दिक्कतें आई है और उन दिक्कतों
उद्घाटन का कार्य पूरा होने के बाद जयराम महतो सीधे निकल पड़े हैं और अपना सभा को संबोधित करेंगे, अपने बातों को लोगों के बीच में रखेंगे। उसी बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है और यहाँ पे तमाम जो लोग अभी यहाँ पे टाइगर जयराम महतो का इंतजार में थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे संयम बना के रखे हैं। कहा कि ये कोई जनसभा नहीं है, ये एक स्कूल का प्रोग्राम है जिसको लेकर यहाँ पे किसी प्रकार के राजनीतिक का कोई रोल नहीं है, जिसको लेकर यहाँ देख सकते हैं तमाम JBKCS के साथी पहुँचे हैं और जितने भी रामगढ़ के क्रांतिकारी साथी हैं सभी लोग जयराम महतो के समर्थन में आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और देख सकते हैं आज स्कूल का उद्घाटन के लिए पहुँचे हुए थे, प्लस टू स्कूल का उद्घाटन के लिए तमाम लोग इनके साथ मिलते जुलते फोटो सेल्फी होते होते साथ ही साथ जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि लोग इनसे मिलने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि दौड़ दौड़ के यहाँ पे आदमी लोग आ रहे हैं और इनका सभा स्थल पहुँचने में ही 10 मिनट लग जाता है। ऐसे ही फोटो सेल्फी वगैरह में ये हर जगह का सिस्टम है, ताकि लोग इन्हें इनकी विचारधारा से इस तरह से प्रभावित हैं कि इनकी एक झलक पाने के लिए घंटों घंटों वेट करते हैं, और एक फ़ोटो खिंचाने के लिए तो कहना ही नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे भी इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार और इज्जत दे रहे हैं, और इनके पीछे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इन बच्चों का भविष्य के बारे में बात करते हैं, जिसको लेकर आज इन बच्चों में भी जयराम महतो के प्रति प्यार उमड़ पड़ा है, और फोटो और सेल्फी के तो बात ही जुदा है। बीच में है और अंतिम में हम कि जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस आजादी दिलाने खातिर पहले हले तो मुझे खुद मैं आजादी दूंगे, तो हम इस मंच के माध्यम से धोनी के लिए धोनी हम लिखे भले यहाँ बोलना ना चाहिए स्कूल के कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी हम बोलो धोनी एक बार झारखंड निर्माण के प्रति झारखंड निर्माण के पक्ष में वोट दे, हम धोनी के और जितना JBKCS की टीम है जितना भी आने वाला कार्यकर्ता साथी अभी सब धोनी के अधिकार दिलावे के काम कर रहे हैं। जैसे जैसे फिर से एक बात बोलो, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस पहले